नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए, कल डेट है आपकी भैया 15 सितंबर और कल एक्सपायरी है। ठीक है, कल क्या है, कल एक्सपायरी है, तो एनालिसिस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, थोड़ा दिमाग में उतारने की कोशिश करिएगा और उसी हिसाब से कल आपको ट्रेड लेना है। अदरवाइज कल आप ट्रेड नहीं भी लेंगे ना तो कुछ दिक्कत होने वाली बात नहीं है, कुछ उसमें समस्या की चीज नहीं है। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, यह है निफ्टी का सबसे पहले। तो जो सुबह सुबह सिर्फ स्क्रीन को देख के मैंने आपको बताया था कि निफ्टी फ्यूचर स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है, उसी हिसाब से ये मूव है आज का। ठीक है, और लेवल्स क्या दिया था, जो चीज समझ में आ रही थी कि 830 के ऊपर बाय करिए, 30 पॉइंट का सिर्फ एसएल डालिए। और किसी ने ये जो तेजी हुई है 830 के ऊपर से, ठीक है, लगभग कल का भी हाई तोड़ा है आज तो मार्केट, तो 200 पॉइंट में से 100 भी किसी ने लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया ट्रेडिंग करी आपने बहुत समय। अब देखिए, ये अगर इस लेवल के आसपास क्लोज करने की कोशिश करता 18,050, 18,060 तो एक अच्छा खासा व्यू बन रहा था मार्केट में कि भैया कल परसों नरसों तेजी हो सकती है। अपार्ट कि हमें कल देखना पड़ेगा कल मार्केट क्या करता है, क्योंकि मार्केट का जो तरीका लग रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुछ ऊपर का लेवल टच करना। दुनिया जहां नीचे है पर अपने मार्केट में कोई तो है जिसको ऑर्डर दिया गया है भैया तू बाय ही करता रहे। ठीक है, एफआईएस भी अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हैं डेरिवेटिव्स में। ठीक है, और मैंने पहली बार देखा अपनी जिंदगी में कि डेरिवेटिव्स में एफआईज शॉर्ट, कल को छोड़ के शॉर्ट है बट कैश में लगातार बाइंग है। तो आप कुछ भी डेरिवेटिव में पोजीशन बनाते रहिए बट जब डेली कैश में बाइंग आएगी तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स जो ऑप्शन एंड फ्यूचर होते हैं उसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हैं बट वो मूव तो स्पॉट प्राइस के हिसाब से ही करते हैं। मान लीजिए SBI का 500 रुपए का स्टॉक, 500 के प्राइस पे स्टॉक चल रहा है और उसका फ्यूचर चल रहा है 507 508, आपने उसका फ्यूचर बाय कर लिया तो भैया जो डिलीवरी है वही तो मार्केट को उठाए, वही तो उस स्टॉक को उठाएगी। अब डिलीवरी में बाइंग हो रही है, चाहे आप उस फ्यूचर को सेल करके रखो चाहे आप 480 की पुट बाय करके रखो। ठीक है, तो कैश की जो बाइंग है वो वही चला रही है मार्केट। डेरिवेटिव्स की पोजिशन फिलहाल कोई मायने नहीं रख रही है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेशन इज गोइंग ऑन इन आवर मार्केट। ये मैंने बहुत कम देखा है और 5-6 बार हो गया पिछले कुछ दिन में। देखिए, ये गैप डाउन ऊपर, ये गैप डाउन ये ऊपर, फिर यहां पे भी कहीं पे गैप डाउन ऊपर, ये देखिए ये यहां पे गैप डाउन ऊपर, ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन ऊपर, तो गैप डाउन में तो जबरदस्त तेजी होती है। हमने ये जरूर पॉइंट्स मिस किए थे बट आज क्लियर स्क्रीन पे दिख रहा था कि आज भी ये उठाएंगे, तो मैं आपको सीधा यही बता के गया था कि भैया बाई करने के लिए तैयार रहिएगा। और बैंक निफ्टी में 40,200, क्योंकि सुबह सुबह नहीं पता लगता कि बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बट 40,200 नहीं टूटता है तो उसको भी आप बाई कर सकते हो। और बैंक निफ्टी तो बे इंतहा भागा है, उसका PCR जो होता है मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में 1.65 उसके भी ऊपर देखा है, हालांकि थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ लास्ट में 1.5 बट स्टिल इट इज ओवरबॉट, इसलिए टेलीग्राम पे लिखा था मैंने आप छोड़िए इसको, बैंक निफ्टी को छोड़िए। ठीक है, अब आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा कल के लिए क्या करना है। देखिए, ये ट्रेंड लाइन का 5 दिन से सहारा लेके चल रहा था, 1 दिन ये, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो ये गैप डाउन में आई, यहाँ पे ऊपर तक गई, नीचे की तरफ गई, तो कल एक्सपायरी है दोस्तों। अब थोड़ा सा साइकोलॉजी क्या हो सकती है, कल आपको डाउ जोन्स पॉजिटिव दिख सकता है तो अपने यहाँ बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो मेरा व्यू बन रहा है अभी वो इस कैंडल को देख के बन रहा है, जो ये 18,090 से 17,980 तक की जो कैंडल बनी थी, इनफैक्ट 975 की, ये कैंडल अपने आप में काफी कुछ समझा रही है, काफी कुछ कह रही है फिलहाल। देखिए, कल अगर गैप डाउन होता है, मार्केट गिरता है डाउ जोन्स का, फिर फर्दर मार्केट गिरता है, नए लोज बनते हैं, तो फिर हम सुबह ही देखेंगे भैया मार्केट में क्या होने के चांसेस। ठीक है, अगर कल गैप अप होते हैं तो
निफ्टी बहुत ओवरबोट हो जाएगा, बैंक निफ्टी भी। देखिए बैंक निफ्टी तो वैसे ही सुपर डुपर ओवरबोट है, बट थर्सडे वाले दिन ये पुट कॉल रेशियो ये सब इतना काम नहीं करते हैं। तो कल बैंक निफ्टी को आपको छूना नहीं है। मैं सिंपल सा बताता हूं, आपको तेजी करनी है अगर तो भैया 100, देखिए कल बहुत छोटे छोटे टारगेट आपको लेने पड़ेंगे बाई साइड में। आप 18,100 के ऊपर बाय करिए, बट 18,160-170 के आसपास निकल जाइएगा। ये ट्रेंड लाइन ऊपर रुकावट का काम करेगी, ये जो यहाँ पे सपोर्ट बनाती हुई चल रही है। कल यहाँ मार्केट खुलता है तो बाय आपको 18,100 के ऊपर ही करना है, क्योंकि 18,180 बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। कल है थर्सडे, कोई ज्यादा उछल कूद ज्यादा फालतू मचानी नहीं है। वो देखिए मेरे को काफी लोगों ने मैसेज कर रखा है कि भाई आप इंडियन मार्केट है और ऐसा कोई रूल नहीं है कि दुनिया का मार्केट गिर रहा है हम बढ़ रहे हैं तो आप कहीं जाके शिकायत करिए उसकी। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, तो चुपचाप एक्सेप्ट करिए, ठीक है, और लेवल्स पे प्ले करिए। सुबह मैंने बताया तो था भैया पुट अपनी निकाल दीजिएगा, प्रॉफिट बुक करिएगा 3-4 मिनट की वीडियो में, बट आप बायस्ड होकर अगर बैठे रहते हैं तो उसका इलाज कोई नहीं। पहले तो लोगों को शिकायत थी कि अप मूव कैप्चर नहीं करवाता है, तो भैया आज अप मूव भी बोला मैंने आपको बाय करी, ठीक है मार्केट ऊपर आ सकता है। पिछली बार तो मार्केट ओवरबॉट में उछलांगे लगा रहा था, छलांगे लगा रहा था, बट इस बार ओवरबॉट नहीं था जब ये यहाँ पे खुल, हाँ अब जाके ओवरबॉट के क्षेत्र में घुसा है और 18,200-250 के लगभग वो हो जाएगा क्या कहते हैं एक्सट्रीम ओवरबॉट। और बैंक निफ्टी तो एक्सट्रीम ओवरबॉट की श्रेणी में आ चुका है, ठीक है आ चुका था, वहां से थोड़ा सा हल्का हुआ। अब कल के आप सिंपल व्यू सुनिए, 17,960 ये जो मैंने यहाँ पे दूसरी ये कैंडल खींची हुई है, ये जो सॉरी ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ये पैरेलल जो जा रही है हॉरिजॉन्टल जो जा रही है, ये टूटती है अगर, इसने यहाँ पे भी 6 घंटे रोक के रखा था, ये अगर टूटती है तो ये आपको सिंपल सा लेवल मार्क करिए 17,970 बिलो आपको सेल करना है। आपके टारगेट सबसे पहले 940, क्योंकि भैया ये 940 भी सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 940 टूटा तो नीचे की तरफ 17,880-17,730 नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको 970 बिलो सेल करना है, 940 आपका पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 880 है, और तीसरा टारगेट 880 टूटने के बाद 840, फिलहाल हम इतना ही व्यू रखते हैं, 820-840 के आसपास। देखिए ये लाइन खींचनी पड़ेगी, मैं आपको खींच के बता दूं, यहां तक हमको कलम देख सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट 970 से 940 या तो आप 30 पॉइंट का जोन मान लीजिए, क्योंकि ये दायरा जो है ये वाला, ये बिल्कुल 30 पॉइंट का जोन है, तो सेफ प्लेयर 935 के नीचे ही शॉर्ट करे। अरे क्या हुआ, छह घंटे चला था मार्केट इस वाले जोन में, ये ठीक है, सेफ प्लेयर 935 के नीचे ही शॉर्ट करे, और जो रिस्क ले सकता है वो 970 टूटते ही एंटर कर सकता है। अच्छी खासी गिरावट इस लेवल के नीचे ही आएगी 930 के नीचे, और हम 820 तक मार्केट को देख सकते हैं अगर ये जोन टूटा, ठीक है। तेजी आपको 18,100 के ऊपर ही करनी है और प्रॉफिट बुक कर लेना है आपको कल के दिन, तो ये कल की तारीख होने वाली है आपकी 18,160-170 के आसपास। यही है फिलहाल के लिए व्यू दोस्तों, और बाकी कल भी मुझे लगता है काफी एक्सट्रीम वोलेटाइल सेशन रहेगा, तो टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम को मत छोड़िएगा, वहां पे मैं आपको बताता रहूंगा।
चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। ये है दोस्तों आपका बैंक, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, खतरनाक ब्रेकआउट दिया, बहुत जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो पर ये ओवरबॉट हो गया है दोस्तों, इसमें बाई की पोजीशन नहीं बनानी है, ये जाता है कल जा सकता है, ये अगर ये आज का हाई काटेगा 41,600 तो टारगेट है 41,850 और 42,000, बट ये रिस्की ट्रेड है, ये मोमेंटम ट्रेड है, ये रिस्की ट्रेड है, वहां से डेफिनेटली एक गिरावट आएगी बैंक निफ्टी में, शायद कल के दिन ना आए बट परसों से फिर ये गिरना चालू हो जाएगा और एक अच्छी खासी गिरावट देगा, कम से कम 800 से 900 पॉइंट की ये लाइन जो है दोबारा रिटेस्ट हो जाएगी फिर, ठीक है। और सेल की पोजीशन इसमें कब बनानी है ये मैं आपको बता देता हूं कल के लिए, भैया काफी नीचे की तरफ लेवल आ रहे हैं 41,200 के आसपास, 41,150 के आसपास, ठीक है, 41,150 के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हैं, बाकी तो बैंक निफ्टी को हाथ मत लगाइए, इसके पास अलादीन का चिराग है। अरे बैंकों की तो फंडामेंटली बैंड बजने वाली है, वो रेट हाई करेगा, ठीक है शक्तिकांता, पर चलिए इसीलिए कहते हैं ट्रेडिंग लेवल्स पे होती है तो क्या करें, बायस मत रहिए, सिंपल सी बात है, 41,640 कटता है, बाय कीजिए, 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट लीजिए और निकल जाइए, फिर तेजी नहीं करनी है, ये रिस्की ट्रेड है अगर बाय साइड का। मैं कल अगर मुझे बैंक निफ्टी सेल करने का मौका मिला मैं सेल ही करना चाहूंगा 41,200 के नीचे, 41,200 के नीचे मैं बैंक निफ्टी को सेल ही करना चाहूंगा, अदरवाइज मैं बाय में इच्छुक हुई नहीं, बट मैंने आपको एक ट्रेड बता दिया, क्योंकि अपने टॉप काटेगा 250-300 पॉइंट की तेजी देगा ही देगा, मेरा एनालिसिस भी ऐसा, वो मैंने मेरी स्टडी भी है, मैंने बैंक निफ्टी की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे वहां पे काफी चीजें शेयर कर रखी है कि अगर दो दिन का हाई लो काटता है तो बैंक निफ्टी क्या करता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों फिलहाल कल के लिए, और डेटा भी देखने इंपॉर्टेंट होंगे, डेटा क्या बोलते हैं वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। इस पूरे चैनल का ब्रेकआउट आया है और ये चैनल है आपका 950 से लेके लगभग 1000 पॉइंट, तो यहां से 41,900 तक की तेजी एज पर दिस चैनल होनी चाहिए, ठीक है, 42,000 तक की तेजी दिखा सकता है इस चैनल का ब्रेकआउट। बाकी कल थर्सडे है, कल मार्केट बिना सर पैर के भागता है, साइकोलॉजी के हिसाब से देखूं तो कल मुझे लगता है अगर वर्ल्ड मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव हुआ, अपना मार्केट पॉजिटिव होके बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, ये एक सिनेरियो कल बन सकता है, अगर वर्ल्ड मार्केट दोबारा गिरता है और हम गैप डाउन होते हैं, ठीक है, मार्केट में शॉर्टर नहीं बचे, मार्केट के अंदर शॉर्टर नहीं बचे, कॉल राइटिंग आपको दिखेगी नहीं कहीं, पुट राइटिंग आपको दिखेगी, और पीसीआर भी इसी वजह से ऊपर आता जा रहा है, तो जब ऐसे होता है तो मार्केट उल्टा घूमता है जनरली, ठीक है। और थर्सडे वाला दिन बेस्ट दिन होता है इस चीज के लिए, ये जो यहाँ पे गिरावट हुई है लगभग 250-300 पॉइंट की, ये वाली गिरावट, ठीक है, और निफ्टी में भी जो लास्ट में ऐसी गिरावट हुई है वो कुछ कल के लिए खेल बयां कर रही है कि कल खेल हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा जो मैंने लेवल बोली, सेल करने का मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं है, 41,200 और 17,970 ये लेवल के नीचे अगर निफ्टी रहता है बी ऑन सेल साइड। बाई साइड के लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, 41,640 इसके ऊपर बाई कीजिए, बट बाई में 200-250 पॉइंट का ही जगह रखेगा, उससे ज्यादा की जगह मत रखिएगा। ऐसे ही निफ्टी में 18,100 के ऊपर बाई कीजिए तो बुक कर लीजिए 50-60 पॉइंट लेके, वहां ट्रेंड लाइन है मैंने आपको दिखाई अच्छे से, ये इसको रुकावट डालेगी यहाँ पे, हो सकता है फिर वहां से झमाझम देना शुरू कर दे सेकेंड हाफ, ठीक है, वो कल क्या सीन सिनेरियो बनेंगे कल ही डिस्कस करें। चलिए थैंक यू वेरी मच,
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर को, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये अब एक जो जोन है चीन की दीवार की तरह हो गया है, ठीक है। और ये 17500 के लग 17480 के लगभग आता है वैसे तो ये एफ सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर इसके अंदर एक क्लोजिंग आ जाती है तो फिर ये दोबारा से नीचे की तरफ एक बार छूने के लिए आएगा, वो बाद की बात है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।